किसान भाइयों नमस्कार। आज के ठीक 12 दिन पहले मैंने आपको यही चने का खेत दिखाया था और कई सारे लोग मेरे फील्ड में किसान आए थे बाहर से, तब इसकी फली में दाने नहीं थे और आज इसकी फली में दाने आ चुके हैं। मैं बता दूं, ये 2 एकड़ का मेरा चने का खेत है और उधर मटर भी है, पीछे गेहूं भी है। कहना ये चाहता हूं मित्र कि बिना लागत का केवल खेत की जुताई की गई है और बरसात की नमी में बोया गया था। एक पानी मैंने दिया है, क्योंकि मिट्टी में मैंने जैसे बोलता हूं कि सॉयल अगर मेरी ज़िंदा हो जाए, धरती माता अगर ज़िंदा हो जाए, धरती माता में अगर जीवांश की मात्रा बढ़ जाए तो फिर सारे काम अपने आप होते हैं। तो आप मेरे हाथ में चना देख रहे हो और मैंने कहा था कि मेरे खेत में न इल्ली लगती ही नहीं है, एक भी फली ऐसी नहीं है जिसमें आप पॉड बोरर की शिकायत हो कि पॉड बोरर साहब लगा इसमें। क्योंकि पीछे मैंने कहूंगा कि ज़रा दिखा दो, मैंने जंगल लगा रखा है पीछे, तो जंगल में क्या है, हमारे इस क्षेत्र में पक्षी बहुत हैं। तो दो चीज़ें बताऊंगा, ये जो मैं जीवामृत की बात करता हूं, खेत में जो भी कार्बनिक पदार्थ छूट जाता है जाने अनजाने, जैसे अभी मैं क्रॉप हार्वेस्ट करूंगा तो इस चने के नीचे जो वीड्स हैं वो यहीं रह जाएंगे, और जब चना काटा जाएगा तो इतना काटा जाएगा, इतना हिस्सा चने का यहीं रह जाएगा। ये ज़मीन का भोजन है, कार्बनिक पदार्थ ज़मीन का भोजन है, लेकिन अब ये पचेगा तो अगली फसल को काम आएगा, अगर ये पचेगा नहीं तो यहीं पड़ा रहेगा, जुताई उताई करके नष्ट हो जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा, दिखेगा नहीं वो बात अलग है, लेकिन ये पचेगा नहीं। पचाने के लिए मैंने बोला, जैसे मेरे शरीर में अगर कोई व्यक्ति 8 दिन एंटीबायोटिक खा ले ठीक से तो उसको भूख नहीं लगती, क्यों? क्योंकि खाना अगर अंदर जाएगा और उसको एंटीबायोटिक खाने के बाद पचाने वाले माइक्रोब्स स्टोमक में नहीं है तो खाना पचेगा नहीं। इसी प्रकार सॉयल में मैंने कुछ समथिंग भोजन दिया। कई बार किसान गोबर की खाद ला के डाल देते हैं कच्ची, फिर वो कहते हैं साहब फसल में हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। रिस्पांस इसलिए नहीं मिला मित्र कि आपने बेशक 1 एकड़ ज़मीन में 4 ट्राली गोबर की खाद डाली है, लेकिन उस सॉयल में आपने पीछे इतिहास में झांकेंगे 10-15 साल पहले से इतना ढेर सारा पेस्टिसाइड डाल चुके हैं कि उसमें जो पचाने वाले माइक्रोब्स हैं, सॉयल में भी बेनिफिशियल इतने प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं जो भोजन को पचा करके ह्यूमस में कन्वर्ट करते, तो वो जीवाणु चूंकि मैंने पेस्टिसाइड डाल के मार दिए इसलिए भोजन पचता नहीं है। हमने इस खेत में क्या किया, पिछले बारिश में जैसा कि मैंने बताया, बारिश के सीज़न में कोई क्रॉप नहीं भी बोई और ग्रासेस को उगने दिया, वीड्स को उगने दिया। जब वीड्स बहुत बड़े बड़े हो गए, 2-2, 3-3 फुट के डेंस वीड हो गए, बहुत ज़्यादा बायोमास हो गया, फिर मैंने उसको पलट दिया, तो ये तो हुआ कार्बनिक पदार्थ, मैंने डाल दिया पीछे से जीवामृत, यानी कि ये पच जाए तो वो जीवामृत के जीवाणुओं ने उस कार्बनिक पदार्थ को बरसात के सीजन में जब नमी हुआ करती थी तो उसको पचा डाला, उसके बाद बो दिया चना। तो पलेवा की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि सॉयल में ह्यूमस की मात्रा बढ़ गई, और अब मेरे हाथ में जो चना है इसमें ना DAP दिया, न कोई भी केमिकल चीज़ मैंने इसमें नहीं डाली। ये आपके सामने इसका रिजल्ट है चने का, और मैं कहूँगा जरा चने को दिखा दे पूरा फसल को, इतनी बेहतरीन फसल है। इसमें ना मैंने कोई VD साइड डाला है और ना मैंने कोई फर्टिलाइजर डाला है, ना कोई बीमारी लगी है। एक विल्ट लगता है पल्सिस क्रॉप में, ढेर सारे विल्ट, मतलब विल्ट की डिजीज जिसको उकसा बोलते हैं, उकसा बहुत लगता है। मेरा दावा है, जो कई बार मैंने कहा है कि अगर किसान भाई बरसात के सीज़न में सही से जीवामृत डाल दें तो पल्सेस का एरिया, बहुत देश में बहुत सारे किसान उकसा रोग के कारण चना मटर मसूर बोना बंद कर दिए,
मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जंगल की मिट्टी से बना हुआ जीवामृत अगर आप खेत में डाल देते हैं बरसात के सीजन में और अक्टूबर में कोई भी पल्सेस क्रॉप बोएंगे तो उसमें विल्ट नहीं लगेगा। तो एक गारंटी है, मतलब गारंटी क्या हुई, जब ज़मीन मेरी ठीक होती है, ज़मीन का हाजमा सही होता है, तो किसान की 70-80% समस्याएं, नहीं तो क्या है, आजकल वेजिटेबल में देश के बहुत सारे किसान कहते हैं कि साहब निमेटोड्स लगा है, अब निमेटोड्स लगा है, इधर उधर भटक रहा है और कहीं कोई उपाय नहीं है, सिर्फ ये है कि पेस्टिसाइड बेचने वाले उसको फंसाए रखते हैं, निमेटोड्स नष्ट नहीं होता है। तो मैंने बोला कि सॉयल में अगर बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं तो ये जान लीजिएगा कि निगेटिव पैथोजिन जो फसल में रोग फैलाने वाले, चाहे वायरस हो, चाहे फंगस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे निमेटोड्स हो, जंगल की मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणुओं की माया है कि सारे के सारे दुश्मनों को मार भगाते हैं। तो जंगल की मिट्टी के द्वारा बनाया गया जीवामृत का प्रयोग करिए, बरसात में करिए। और एक बात और कहता हूँ कि बरसात का पानी खेत में रुके, खेत की मेड़ों पर आप पेड़ लगा लें तो बीमारी तो इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि जीवामृत डाला है। और अगर खेत में चिड़ियों का बसेरा हो जाता है तो इंसेक्ट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि बहुत ढेर सारी मेरे पास चिड़ियाँ हैं। दूसरी चीज़, ये धरती की उर्वरता का सबसे बड़ा खेल है, ये मेरी माँ है, इसकी जिम्मेदारी है पूरे संसार में, इस पृथ्वी में, भूमंडल में रहने वाले 84 लाख योनियों का पालन पोषण करना, ये धरती माँ की ड्यूटी है। हम सोचते हैं कि इस ज़मीन में मुझे खाना खाना है, धरती माँ की चिंता है कि इस ज़मीन से सबको खाना खिलाना है, इसीलिए वीट्स उगाती है। अगर संसार का पूरा आदमी मर जाए आज, खेती करने वाला कोई ना रहे और वीडीसाइड डाल करके मैंने वीड्स मार डाले, तो कल्पना करिए कि शेष जीव जंतु क्या करेंगे। इसलिए माँ की ड्यूटी है कि सबके लालन पालन का वो ध्यान रखती है, हम समझने में भूल कर जाते हैं। तो इस माँ का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, माँ को अपना काम करने दीजिए। और बस एक ही चीज़ है कि इस माँ की सेवा जितनी कर सकते हैं, और सेवा में मैंने क्या बोला, इस माँ को अगर नंगा छोड़ दिया, पेड़ काट लिए, तो आप प्राकृतिक खेती नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें आपने जीवामृत जंगल की मिट्टी का नहीं डाला और पेस्टिसाइड डाल रहे हैं तो आप प्राकृतिक खेती नहीं कर पाएंगे, लागत बढ़ती रहेगी। आज चैलेंज इस बात का है, प्राकृतिक खेती के जितने भी देश में प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं उनको एक ही अनुरोध करता हूँ, प्राकृतिक खेती का मतलब है धरती माँ के वैभव को सजाना। और धरती माँ का वैभव सजता है तब जब खेत की मेड़ होती है, खेत की मेड़ पर पेड़ होते हैं, और मैं पेस्टिसाइड डालना बंद कर देता हूं। दावे के साथ कहता हूं किसान को कभी घाटा नहीं होगा, किसान को कभी बैंक से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। आज के ठीक 70 साल पहले हर किसान धनाढ्य था, हर किसान के घर में सोना चांदी का भंडार हुआ करता था, और एक गाना भी गाते हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हूँ बसेरा वो भारत देश है मेरा। आज तो सोना चांदी तो किसान का बिकी गया, बैंक का कर्जा ऊपर से चढ़ गया। क्यों चढ़ गया, ये ज़मीन मेरी कर्जदार हो गई, ये ज़मीन मेरी बंजर होने की कगार पर है, इसलिए मुझे लागत बहुत लगानी पड़ती है, रिस्पॉन्स फिर भी नहीं मिलता, मेरी सारी गाड़ी कमाई का पैसा भी यही खा जाती है, यूरिया में, DAP में, पोटास में, पेस्टिसाइड में, फंजीसाइड में, वीडीसाइड में, जुताई में, गुड़ाई में। ये अगर संपन्न हो जाती है तो 4-5 जुताइयों के बाद जो व्यक्ति गेहूं बोता है, अगर धरती माँ में फर्टिलिटी बढ़ गई, इसमें जीवांश कार्बन बढ़ गया, तो एक जुताई करके आप गेहूं बो सकते हैं, एक जुताई करके कोई भी क्रॉप बो सकते हैं, और नहीं तो डिबलिंग कर सकते हैं। जुताई भी मत करिए डिबलर से, क्योंकि सॉइल इतनी फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी रिच हो जाती है कि आप डिबलर से जो है बीज बो सकते हैं। हमें उम्मीद है कि मेरे किसान भाई इस बात को देखेंगे, मैं लगातार इसी, मेरा प्रयास यही है, किसान को बाज़ार न जाना पड़े। और प्राकृतिक खेती के जो भी जानकार किसान को कहते हैं फिटकरी डालो, हींग डालो, फलाना डालो, ढिमाका डालो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, वो सारे के सारे लोग किसान को बेवकूफ़ बनाते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, हमारी सारी खुशियों का ठिकाना, सारी खुशियों का खजाना इस ज़मीन की उर्वरता पर डिपेंड करता है। और ज़मीन को फर्टाइल जिस दिन मैं बना देता हूँ, ना कीड़ा है, ना बीमारी है, ना फर्टिलाइजर है, और पानी की डिमांड भी कम हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार, बंद कर दो।